गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स हैकर। दिस इज कौशल मौर्य। आई होप यू आर वेरी वेल, सेफ एंड साउंड। सो दिस वीडियो इज ऑन टॉपिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। द टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस कंटेंट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा स्टूडेंट्स ऑफ पेपर मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। सो इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ डेटा कम्युनिकेशन वी हैव टॉक अबाउट द डेटा कम्युनिकेशन, the elements of data communication, what is the data communication, data rate, that is bit rate, baud rate, channel capacity, synchronous data communication and asynchronous data communication, and the communication protocol. So in this video, let's talk about the need of international standard to link various computers and OSI model. So let's start the video. First, here is the need of international standards to link various computer. So हम जानते हैं, हिंदी में बात करेंगे कि प्रारंभिक समय में जो हमारा कंप्यूटर का स्टैंडर्ड था वो कोई फिक्स नहीं था, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होता था। तो सारे जो कंप्यूटर्स की निर्माताएं कंपनी होती थी, अलग अलग कंपनी निर्माता जो होते थे, वो अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते थे, और उनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के कारण जो हमारा प्रॉब्लम होती थी कि अगर मान लीजिए हमने पेन ड्राइव खरीदे तो हमने किसी एक फिक्स कंप्यूटर कंपनी के लिए खरीदना पड़ता था, वो सारे कंप्यूटर में यूज नहीं करते होता था। तो इस वजह से जो कुछ यहाँ पे आपकी कंपनीज के नेम दिए गए हैं और उनका जो स्टैंडर्ड सिस्टम था वो आपको दिया गया है, जैसे कि IBM हमारे यूज़ करता था SNA, मतलब सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज़ करता था। डेक्नेक हमारे यूज़ करता था DNA, मतलब डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज़ करता था। और बरॉट्स कॉरपोरेशन हमारे यूज़ करता था BNA, मतलब बरॉट्स नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो ये जो प्रोटोकॉल होते थे, एक नेटवर्क, एक ही जो है नेटवर्क के प्रोटोकॉल को कैपेबल थे, दूसरे नेटवर्क के लिए जो है कैपेबल नहीं होते थे। इस वजह से जो है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की आवश्यकता थी, और इस समस्या के कारण जो है नेटवर्क रिसोर्सेज इफिशियंट और प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका जो है संभव नहीं हो पाता था। ड्यू टू दिस द इफिशियंट नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन नॉट कन्फर्म। तो इस समस्या के निदान हेतु जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ISO जो होता है, उसने एक कमेटी गठित की और नेटवर्क आर्किटेक्चर पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसने विकसित किया, ठीक है। और उस स्टैंडर्ड जो उसने जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विकसित किया, उसका नाम इन्होंने रखा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं OSI। तो उसका इन्होंने मॉडल विकसित किया जो कि विभिन्न कंप्यूटरों को लिंक करने हेतु एक स्टैंडर्ड परिभाषित हुआ, कि उन्होंने सारे कंपनीज को ये दे दिया कि आपको इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। और तथा OSI प्रोटोकॉल की सहायता से दो हेट्रोजीनियस अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स दुनिया में किसी भी कोने में एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते थे। तो इस वजह से इन्होंने दिया OSI मॉडल को। तो आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में OSI मॉडल की और OSI मॉडल के आर्किटेक्चर की। तो पहली बात हम जानेंगे जो ISO OSI मॉडल था, ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और OSI मतलब था हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ये जो ISO OSI मॉडल था, ये हमारा लेयर्ड मॉडल था, मतलब परत दर परत था, और हर लेवल का अपना अपना अलग अलग प्रोटोकॉल था, अपना अलग अलग नियम था, ठीक है। तो आधुनिक कंप्यूटर नियम जो नेटवर्क थे वो मॉलिकुलर या स्ट्रक्चर रूप से डिजाइन किए जाते थे, जिसमें सिस्टम की हैंडलिंग आसानी से इफिशियंटली हो सके, और इसके लिए सिस्टम के मॉड्यूल्स को छोटे छोटे भागों में, मॉड्यूल्स में स्प्लिट किया जाता था, जिनको लेयर्स या लेवल कहते थे। प्रत्येक लेवल अपने हाई लेयर को सेवाएं प्रदान करता था, जैसा कि अभी आगे आप आर्किटेक्चर में देखेंगे। तो ये कुछ आर्किटेक्चर आपको हमने दिखाया, ये आपका आर्किटेक्चर है OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर है, डिफरेंट लेयर और प्रोटोकॉल का। तो ये अपने हाई लेवल, नीचे वाले लेवल जो है वो अपने हाई लेवल को जो है सेवाएं देते हैं, इससे नीचे वाला ये अपने हाई लेवल को, और एवरी लेयर जो होते हैं वो अपनी अपनी प्रोटोकॉल सेट करते हैं, और किसी मशीन का कोई लेयर दूसरी मशीन की उसी लेयर के साथ संपर्क बनाता है। मान लीजिए फर्स्ट मशीन है या सेकंड मशीन है, तो एक लेयर अपने से मतलब कि ये इससे ही संपर्क बनाएगा, ये इससे ही संपर्क बनाएगा, और इसका ये लेयर इस लेयर से। तो ये 7 लेयर स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर आपको दिखाया गया है OSI मॉडल का, तो ये 7 लेयर आर्किटेक्चर है, और हर लेयर अपने सामने वाले मशीन से, सामने वाले लेयर से ही जो है इंटरकनेक्शन बनाता था। जैसे मान चलिए एप्लीकेशन लेयर, तो ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू एप्लीकेशन लेयर से ही जो है इंटरकनेक्शन बनाएगा, ठीक है।
तो आगे देखेंगे कि ओएसआई नेटवर्क के आर्किटेक्चर में अलग अलग लेयर का ये जो 7 लेयर है और इस 7 लेयर को दिखाया गया है और इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं इसका जो पहला लेयर है, नीचे से शुरू करेंगे, फिजिकल लेयर है। ये फिजिकल लेयर काम क्या है इसका आगे हम देखेंगे। फिजिकल लेयर और ये भी देखिए, ये जो फिजिकल लेयर, डाटा लेयर और नेटवर्क लेयर है, ये तीनों फिजिकली कनेक्टेड है। मतलब इनका कनेक्शन एक मशीन से दूसरे मशीन या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फिजिकली है। अदरवाइज बाकी जो है ये देखिए डॉटेड लाइन से शो किया गया है, ये 1, 2, 3, 4 हो, इसका मतलब है ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, बस प्रोटोकॉल्स हैं और ये वायरलेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आर्किटेक्चर में, पहला तो हमारा है फिजिकल लेयर। ठीक है, उसके बाद फिजिकल लेयर के बाद हमारा डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक के बाद नेटवर्क लेयर है, और इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, एंड लास्ट है हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो वन बाय वन हम जानते हैं कि काम क्या करता है, कौन सा लेयर कौन काम करता है। तो ये रही बात आपकी आर्किटेक्चर की, आर्किटेक्चर ऑफ द ओएसआई नेटवर्क। और अब बात करेंगे कि जो एवरी लेयर है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द एवरी लेयर ऑफ दिस प्रोटोकॉल्स। और हर जान के चलिए ये बात मान लीजिए कि हर एक लेयर का अपना अलग अलग प्रोटोकॉल है, हर एक लेवल का अपना अलग अलग काम है। तो स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ ओएसआई नेटवर्क। देखिए, सबसे पहला लेयर हमारा होता है फिजिकल लेयर, जैसे कि हमें पता था। और फिजिकल लेयर का काम क्या होता है कि ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्रोसीजरल फॉर्मेट्स को। और इसको हम कह सकते हैं कि द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फंक्शनल एंड प्रोसीजरल कैरेक्टरिस्टिक्स टू एक्टिव, मेंटेन एंड डीएक्टिवेट फिजिकल कनेक्शन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स। तो पहला काम, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिट्स का ट्रांसमिशन ही तो कर रहे थे, और उस बिट्स ट्रांसमिशन में जो हमारा फिजिकल लेयर होता वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्रोसीजरल फॉर्मेट्स को फिजिकली कनेक्ट कराता था। क्यों कराता था? एक्टिव, मेंटेन एंड डीएक्टिव कनेक्शन के लिए, हमारा बिट ट्रांसमिशन के लिए ये काम करता था हमारा पहला लेयर, जिसको हम कहते थे फिजिकल लेयर। सेकेंड हमारा डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का क्या काम होता था? इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी बिटवीन नोड्स, जो नोड्स के बीच की डाटा इंटीग्रिटी होती थी उसको ये जो है इंश्योर करता था। और ये भी इंश्योर करता था कि इरर फ्री ट्रांसमिशन हो, इसमें कोई इरर ना हो। तो डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग एन इरर फ्री कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ फिजिकल चैनल। जब फिजिकल चैनल बन जाए, देखिए पहला चैनल जब लेयर हो जाए उसके बाद का काम है, ये भी फिजिकल होता है, ये भी एक मशीन से, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। इट आल्सो मल्टीप्लेक्सेस डिफरेंट मैसेजेस इनटू सेम ट्रांसमिशन चैनल फॉर ऑप्टिमम लाइन यूटिलाइजेशन। अच्छा, इसका काम क्या है? देखिए, इसके लिए डाटा के फ्रेम्स को बांटते हैं, डाटा को फ्रेम्स में बांटता है। और ये दूसरा बात क्या करता है, इरर फ्री अगर ट्रांसमिशन करवाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पैरिटी बिट्स भी जोड़ेगा। पैरिटी बिट्स क्यों जोड़ेगा? ताकि बिना इरर के डाटा को ट्रांसमिशन जो है ये संभव करा सके। ये काम है हमारा दूसरे लेयर का, मतलब डेटा लिंक लेयर का। तीसरा लेयर नेटवर्क लेयर का हमारा है। नेटवर्क लेयर भी फिजिकली कनेक्टेड होता है और ये रूट्स एंड रिले डेटा यूनिट्स अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ नोड्स। इसका काम क्या है कि रूट्स एंड रिले डेटा यूनिट्स को अक्रॉस नेटवर्क ऑफ नोड्स करता है। और सेकंड है सेटअप ऑफ लॉजिकल पाथ, लॉजिकल पाथ का सेटअप करता है। तो इसके दो काम है, नेटवर्क लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मध्य लॉजिकल पथ को ये सेटअप करता है, और इसकी सहायता से सोर्स एंड डेस्टिनेशन का डाटा पैकेट्स ट्रांसमिट किया जाता है। फोर्थ लेयर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो इंश्योर द इंड टू इंड डेटा ट्रांसफर एंड इंटीग्रिटी अक्रॉस। तो ये हमारा इंटीग्रिटी सेट करता था। कौन सा हमारा कौन लेयर? ये हमारा नेटवर्क लेयर है और अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ नोड्स अर्थात लॉजिकल पाथ को हमारा सेटअप करता था। ये नेटवर्क लेयर का काम था कि नेटवर्क लेयर सोर्स से डेस्टिनेशन तक कंप्यूटर के मध्य एक लॉजिकल पाथ सेटअप करता था, और इससे सोर्स से डेस्टिनेशन को डाटा पैकेट्स ट्रांसमिट करता था। ये काम था हमारे नेटवर्क लेयर का। आगे बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट लेयर का, सॉरी हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा के विश्वसनीय तथा क्रमिक ट्रांसफर हेतु कंट्रोल प्रदान करता है, और डेटा के प्रवाह को कंट्रोल करता है ताकि एक फास्ट सेंडर
तथा एक स्लोअर रिसीवर के बीच सिंक्रोनाइजेशन स्थापित हो सके, ये काम आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या काम करता है कि दो कंप्यूटर के मध्य सेशन मतलब डायलॉग या बातचीत को स्थापित करता है और इसको स्थापित करने और समाप्त करने हेतु व्यवस्था करता है और यह सूचना प्रवाह को दिशा में रेगुलेट करता है। ठीक है, तो द मेन फंक्शन ऑफ द सेशन लेयर इज टू स्टेबलाइजिंग मेंटेन एंड टर्मिनेट अ डायलॉग आर अ सेशन बिटवीन द टू कंप्यूटर्स। इट ओरिजिनेज बिटवीन सेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स एंड परफॉर्म ऑल रिलेटेड फंक्शंस लाइक सिंक्रोनाइजेशन, फेलियर मैनेजमेंट, कंट्रोल एक्सेट्रा। फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेशन द एग्जाम्पल ऑफ सेशन आर ऑनलाइन सर्चेज ऑफ डेटाबेस, रिमोट जॉब एंट्री, रिमोट लॉग इन टू अ टाइम शेयरिंग सिस्टम, फाइल ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम एंड एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट लेयर इज द सिक्स्थ लेयर आर द प्रेजेंटेशन लेयर एंड दिस वर्क प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, कंप्रेशन एंड द कोड कन्वर्जन। देखिए प्रेजेंटेशन लेयर एक इनकोडेड डाटा को डिस्प्लेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने हेतु सुरक्षा प्रदान करता है या सुविधा प्रदान करता है ताकि इसको वीडियो टर्मिनल पर डिस्प्ले किया जा सके या प्रिंटर से प्रिंट करा सके या स्पीकर से सुन सके। तो यह मैसेज को टेक्स्ट कंप्रेशन, कोड कन्वर्जन, सिक्योरिटी इंक्रिप्शन, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा वर्क है, ये सारे जो है प्रेजेंटेशन लेयर करता है। बेसिकली यही बात जान लीजिए कि यह कोड कन्वर्जन करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है एप्लीकेशन लेयर का। तो एप्लीकेशन लेयर हमारा क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू लोअर लेयर फंक्शन एंड सर्विसेज। तो ये जो लोअर लेयर फंक्शन के सर्विसेज हैं इसको जो है एक्सेस प्रदान करता है और ये एक यूजर ओरिएंटेड लेयर होता है जो कि नेटवर्क के यूजर को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। यह लेयर वह सभी सुविधाएं प्रदान करता है जो कि यूजर डायरेक्टली यूज करने कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, डायरेक्टरी सर्विस, फाइल ट्रांसफर, टेलीमैटिक सर्विसेज जैसे वीडियो टेक्स्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बात रही सेवन लेयर आर्किटेक्चर ऑफ द ओएसआई नेटवर्क। और इसमें थोड़ा सा बात और है, देखेंगे कि जैसे हर एक जो लेयर था, हर एक लेयर का जो वर्क है उसमें क्या क्या जो उसका कार्य है वो क्या क्या है। तो जैसे हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारा फिजिकल लेयर है इसका क्या काम है कि पहला काम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट। इसमें लेयर में बिट डाटा बिट स्ट्रीम के रूप में होता है और इनको यह इनकोड करके सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। डेटा रूट, डेटा रेट का मतलब है बिट पर सेकंड, और रेट में ट्रांसमिशन को डिफाइन करता है। सिंक्रोनाइजेशन करता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच, बिट लेवल को सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, तो ये सारे काम हैं ये देखेंगे। तो ये आपको हमने बताया आर्किटेक्चर ऑफ ओएसआई लेवल, ओएसआई आईएसओ लेवल। तो आगे के वीडियो में जो हमारा आगे का वीडियो आएगा डेटा कम्युनिकेशन पे, उस पर हम डिस्कस करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड डिफरेंस बिटवीन द ओएसआई नेटवर्क सिस्टम एंड द टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन। और आगे ही हम देखेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज के बारे में। इसके बाद IEEE 802 के बारे में जानेंगे, वायरस के बारे में, वायरसेस जो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं उसके बारे में जानेंगे, ISDN के बारे में जानेंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, और जिससे हम आपको कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के वीडियोस प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।